हाय वेलकम टू माय चैनल एसएम डिजाइनर इन ओडिया आसत आज आम जो अलग मेथड में काटी कटोरी ब्लाउज तार आज आम स्टिचिंग करवा। प्रथम आम ये कटोरी दुटा को आगे स्टिचिंग करवा। एमती दुईटा कटोरी अल्टरनेट रखा। पार्ट टू कटोरी जो पटे आम हाफ इंच डाउन करेंटा रमर ये छोट साइड पटे यहाँ आम अल्टा साइड अच्छे तो यहाँ को एमती धरवा यटा को एमती धरवा मैं एपटा सीधा साइड आउ एपटा भी सीधा साइड तो सीधा साइड को सीधा साइड एमती रखा एपटा अल्टा एपटा अल्टा मैं अल्टा साइड पटे एवं सिलई पकेबा। दुईटा को जॉइंट करके आम एमती हाफ इंच लेखा यू रखिकी टोटालटा राउंड करी लास्ट पर्यंत आम ये सिलई करदे। हाफ इंच लेखा सिलई कर सारापर आम ए प्लीट पकेबा। कटोरीटा को एमती आम मझीरू फोल्ड करवा। मझीरू फोल्ड करके तले आम ये गोटे इंच रोटे प्लीट पकेबा। ये आम गोटे इंच एमती हो गोटे इंच उठेगा से गोटे दाग दबा से आम ये पर्यत सिलई गोटे क्रॉस टाइप कर प्लीटे पड़ो। ये आम गोटे कटोरी होगा सेम आउ गोटे जो कटोरी अच्छे से आम एम सेम सिलई करदे। दुईटा जाक कटोरी होगा सिलई कटोरी आम ए पार्टा आम ए सिलई करवा। गोटे आग नवा यहाँ सरु पट अच्छी ये आम कांध पट यहाँ जो असारिया अच्छे से अंटा पटे रही कटोरीटा को जॉइंट करवा। ये दुईटा एमती अच्छी यटा को एमती धरवा। दुईटा जाक सीधा साइड एमती रखा सीधा साइड रख सारापर होगा अल्टा साइड एमती करपट को आम भर को हाफ इंच लेखा रखिक टोटालटा आम लास्ट पर्यटन सिलई करदे। ये गोटे गोटे जमी सिलई कले सेम आ गोटे भी सेमती सिलई करदे। एम तले भी पट्टा लगे भी पट्टा चाहिए सिंगल लगे पारे ना किसी पछआड़े डबल कपड़ा देखिए करेंगे तो ये मोर किसी अलग कपड़ा था तो सहीटा को मुझे जॉइंट करदेवि तपर भी पट्टी से जॉइंट करी एटा को अल्टा साइड रखिकी एमती हाफ इंच सिलई करवा अल्टे देखी तापर आ गए सिलई करवापर टोटाल चारिड़े आ गए सिलई पकईदे। ब्लाउज रे कटोरीटा देखा यहाँ सीधा ना बंका टाइप रही है आम अल्प टिके काटिद। जितने कपड़ा प्लीट मारदे से सीधा जगह एमती कम बेसी हो जाए तो से कटोरी सैड्रु कम बेसी होते टी काटिदे। ए पट्टीटा एमती रखा कोमती अल्टे रखा यू अल्टे रखिकी कटोरीटा पार्ट टूटा काटी से आम खाली ऊपर आड़े हाफ इंच डाउन करते कि एपट तल साइड आम डाउन करें तो एवं आम सिलई कला कौन करवा यू सिलई कला एमती हाफ इंच पखापाखि तल को आम छाड़ीदे। मुझ सिलई कला बेले ही यहाँ कै कटिंग कला बेले मुझे जिनसा कैनि हाफ इंच एमती छाड़ीदे एमती रखिक आम हाफ इंच लेखा ये रखिक आम सिलई करवा। एबे जब भितर पटे आम हाफ इंच रहा यह काटिदे भी चलो न काटिक आम तामती सिलई पकईदे भी चलो तो एमती रखिक आम तापर एवं गोटे ये सैड्रे गोटे सिलई पकईवा ता छाड़ी टिके आ गोटे सिलई पकाए तो यही जगह आम भी पट्टी पर दुईटा सिलई पड़ो। एटा मुझ हुकवाला ब्लाउज करी तो से भर आड़े फोल्डिंग करी तो यहाँ को तीन इंच चौड़ा नहीं जो पटे आम हुक लगे यटा को आम एमती दुई फोल्ड करदे। दुई फोल्ड करदे हाफ इंच लेखा तो ये रखिक आम सिलई करवा कितु जिते बार कटोरी दुईटा कटोरी जॉइंट पार्टा आसूसी मझीरे से जॉइंट पार्ट्रे आम कौन करवा तो सीधार सिलई आने जॉइंट जो पड़ा से जगह गोटे छोट ये कपड़ाटा छोट गोटे प्लीट पकईला आम कुच पकईला देदे जहाँकिटा जो भितर को एमती फोल्डिंग करवा से जगह टाणी हेनी पूरा सेट्रे बसीज तो से जगह आम छोट गोटे प्लीट पकईवा
तापर जमी सीधा हाफ इंच लेखा सिलई कर टोटाल सेमती सिलई करदे ये कुचटे पकड़े आम तापर यू आम एमती भितर आड़ फोल्डिंग करदे ये सैड्रे आगे गोटे सिलई पकेबा ये भितर आड़ जो कपड़ा रहा चाहिए आप हेमिंग सिलई करेंगे ना डायरेक्ट मेसीन में भी सिलई करदे पारे तो मुझे मेसीन में सिलई पकईदेवि तापर हेमिंग करी हुक घर जो पटे हे से पटे आम कपड़ा जॉइंट करवा यहपटे जो कपड़ा जॉइंट हम यहाँ मोर बाहर को बाहर रो तो यहाँ मुझे साढ़े चार इंच नहीं सीधा धरवा हाफ इंच लेखा छाड़ी टोटाल सिलई करदे एबे आम ए क्रसपटी लगे क्रसपटी मुझे देढ़ इंच रे काटी आम ए जॉइंट करवा हाफ इंच एमती बाहर को रखा बाहर को रखिकी टोटाल आम एम राउंड करके हाफ इंच लेखा रखिकी टोटाल सिलई करदे ये क्रसपटी लगे सारे लगे सारापर आम एमती अल्टे कि क्रसपटीटा को आउ थे एमती अल्टेबा एमती अल्टे कि आउपर गोटे सिलई पकईदे सिलई पक सारापर ताको आउ गोटे फोल्ड आम एमती करवा एमती आउ गोटे फोल्ड करके ए साइड साइड रे आउ गोटे सिलई पकेबा एबे मु दुईटा को क्रसपटी लगे देली दुईटा को क्रसपटी लगे सारा परे एगुडा को सीधा रहिबा पई मुई मझीरे गोटे सिलई पके देबी नहले आपन चाहिले पिन मध्ये लगे दे परिबे तो मु आको एबे गोटे एमती मशीन गोटे सिलई पके देबी बेक पार्टा सिलई करवा बेक पार्ट भी जो बेक गोले एमती एटा को भी आम क्रसपटी देखिए सिलई करदे आम फ्रंट पटे जमी क्रसपटी लगे सेम सेमती बेक साइड भी क्रसपटी पकईदे अंटारे आम प्लेटा पकेबा प्लेट पकेया एमती कांध को एमती दुई फोल्ड करदे कांधर मझी जो उठी से धरवा अंटा पटे जो आम से सीधार हे से धरवा एमती आम एमती हाफ इंच रखि गोटे ऊपर को चार इंच पाखापाखि गोटे प्लेट पकेबा दुई साइड रे प्लेट पकई सारे एवं आम अंटारे पटी जॉइंट करवा ब्लाउज रो कपड़ा मोर सॉर्टेज पड़ला तो सेतमे अन्य कपड़ा थिला मु अंटा पटरे पकई देली एबे आमे कांधो जॉइंट करबा कांधो जॉइंट करे पुरुरु मु आगो दुई साइड एपोट साइड जॉइंट कर दिए तापरे मु कांधो जॉइंट करे ताको एपोट साइड जॉइंट कर दा तापरे कांधो जॉइंट करबा एबे आमे एठू 4 इंच ऊपर गोटे दाग दबा ए जो कटरी जॉइंट हेची सेठू रखिबा ऊपर को 4 इंच जो उठे से गोटे दाग दबा आ गोटे पटे भी 4 इंच रे दाग दबा ये 4 इंच है तो यहाँ एबे एमती क्रॉस टाइप रो ऊपर को आसीबो एमती मु काई सिलई करे एमती सिलई करले कौन हुए ना कांध खसेनि जमा भी आ मु काटिला बेले शोल्डर डाउन करनी तो जते बेले सिलई करे एमती सिलई कर देले पूरा मोर परफेक्ट हो जाए ब्लाउज के में उल्टे देले उल्टा पटे धरिकी एपटे अंटा पटे दीटा को सम्मान करी धरिबा जेमती छोट बड़ न हो जाऊ रखिकी आम ऊपर पटे एमती कांध को धरिबा जोठी आम दाग देते जो दाग देते से दागरे आम एमती सिलई पकेबा एबे आम स्लीव्स जॉइंट करवा एमती आम दुई फोल्ड को रखीदे जो मझी है से मझी को धरवा ये कांध जो जॉइंट करें आम ये कांधर मझी जॉइंट को धरवा एमती रखा तापरे हाफ इंच लेखा रखिकी टोटाल आम एपटे सिलई करवा पछपटा भी सिलई करदे सेम यहीटा जमी करवा आ गोटे पट स्लीव्स भी आम सेमती लगे
दुईटा को स्लीव्स जॉइंट हो गला परे ब्लाउज टेमती सीधा थिबो आमे गोटे आगो टोटल टेमती गोटे सिलाई पके देबा ता उपरे तापरे उल्टे के आमे फिटिंग मारिबा। एबे मैं ब्लाउज रे फिटिंग मारिया आमे देखि हमर अंटा के देतिला अंटा हमर थिला के 30 30 रो 4 भाग रो भागे आमे नबा माने हमर होची 7.5 तो 7.5 इंच रे गोटे दाग देबा। तापरे छाती मार्किंग छाती हमर थिला 34 34 को 4 भाग करले हमर होची 8.5 इंच 8.5 इंच रे गोटे दाग देबा। तापरे होची हमर मोहरी मोहरी केते थिला हमर 12 12 रो आधा केते 6 तो 6 इंच रे गोटे दाग देबा। एबे ए गार गुड़ा को गारणी जॉइंट कर दबा एपटे जमी मार्किंग कले सेम आर पटे भी सेमती मार्किंग कर दबा। आमे मार्किंग कला परे सेतरे फिटिंग मार्किंग रे आमे सिलई पकई दबा। डबल कटरी ब्लाउज स्टिचिंग आमर कंप्लीट हो गला। जदि मो वीडियो टी आपन को भलो लागी थे तो लाइक शेयर कमेंट निश्चित कर देबे। वीडियो टी को शेष पर्यंत देखिथिवारु आपन को बहुत बहुत धन्यवाद।